सो हाय गाइस, मैं दीप, मैं सिद्धार्थ और हम दोनों फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ आए हैं। और इस बार मिलनल मुरारी का जो ट्रेलर नंबर 2 है वो रिलीज हुआ, फर्ज आ गया, उसका हम लोग रिएक्शन देंगे। और ये तो आप लोगों को पता है सुपर हीरो फिल्म होने वाला है, तो देखते हैं, बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। और हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा है देखने के लिए। 24 दिसंबर तो देखते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं है। और हम लोग का जो रिएक्शन वीडियो का सबसे पहला वीडियो था वो मिलन मुरारी का ही था। हाँ तो देखते, चले देखते। എന്താ വൈദി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പോക്ക്? ഞാൻ പോവാ, നാടേ നശിക്കാൻ പോവാ. ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കടോ, രക്ഷപ്പെട്ടോ. നാട്ടുകാരനെ ഓടി ഓർണേ ഇടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച് നാട്ടുകാരനെ ഓടി ഓർണേ अभी इंटेंस दिखा दिया, और एक शायद विलेन का एक झलका झलकी दिखाया उधर, एक शायद थोड़ा वो एक व्हाइट कलर का जो ड्रेस पहना हुआ है वो थोड़ा विलेन का थोड़ा लगा वो। और मतलब इसमें मतलब फनी नहीं दिखाया गया, फनी मतलब मिनरल मुने जो पहला ट्रेलर था उसमें फनी चीज दिखाया गया, और इसमें जो सीरियस वाला चीज था जो दिखाया गया। और जो टोबिनो थॉमस जो लास्ट में दिखाता है उसको पीछे से स्टोन टाइप का कुछ उड़ रहा है, मतलब उसका पावर से शायद वो मतलब उड़ा रहा है, और मतलब उसको मतलब एक पावर रिलीज कर रहा है अपने अंदर से। तो मतलब विलेन पावरफुल है, बहुत 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 ज़्यादा ही पावरफुल। तो मतलब बहुत खतरनाक फिल्म होगा, सुपर हीरो फिल्म तो इंडिया में बहुत कम निकलता है, बहुत रेयर अच्छा अच्छा निकलता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म में से एक होने वाला है मतलब हमारे हिसाब से, क्योंकि साउथ बना रहा है और डायरेक्टर भी अच्छा है। ये सुपर हीरो का मूवी होगा साउथ का काफ़ी, इसलिए स्टोरीलाइन तो अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। और साथ साथ में ये क्योंकि साउथ कर रहा है तो ग्राफिक्स वाफिक्स बहुत अच्छा देंगे ये लोग। कॉमेडी भी है इसमें, कॉमेडी है, सब कुछ है, इमोशन है। आप लोग टोबिनो थॉमस मतलब डेडिकेट एक्टर में से एक है, बहुत बहुत हाई लेवल एक्टर है वो। मतलब जब एक्टिंग करता है मतलब नेचुरल एक्टिंग करता है एकदम। हम लोगों ने देखा है फिल्म कल की, उसके बाद बहुत सारा फिल्म देखा है उसका। तो हमने मारी में विलन का रोल भी किया था उसने, बहुत अच्छा रोल किया था। तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा स्टार कास्टिंग है इधर। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अंतिम का रिव्यू देंगे, ठीक है, तो बट क्या हुआ, हम लोगों ने फिल्म देखा भी है। हाँ, ये ऑलरेडी ये साउथ का मतलब मुंशी पठान का जो रीमेक है, उस मराठी फिल्म का रीमेक है ये। तो अच्छा, हम लोगों ने फिर भी देखा है क्योंकि एक ने मतलब बोला था, सजेस्ट किया था इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए, हम लोग शो देखा। बट हम लोग और भी दूसरे चीज़ों में थोड़ा काम मतलब काम कर रहे थे इस यहाँ पे, और दूसरे चीज़ों में काम कर रहे थे, और दूसरा चीज़ें यहाँ पे मतलब अपडेट्स आ रही थी नए नए साउथ, मतलब साउथ के वीडियोस का ही, ट्रेलर का, टीजर का, ऐसा ऐसा नया नया मार्कर का, मूवी का, तो अलग अलग ये सब हम देख रहे थे। तो और अंतिम का रिव्यूज ऑलरेडी बहुत लोगों ने दे दिया था, आप लोग उधर से देख लीजिएगा अगर। और ये ऑलरेडी ये साउथ के एक फिल्म का कॉपीड है, तो इसमें ऑलरेडी उस फिल्म को हर किसी ने, साउथ का तो हर किसी ने लोगों ने देखा ही है पहली बार ये। और मतलब इसमें कुछ नया तो मतलब उतना वो होगा ही नहीं, स्टोरीलाइन तो सेम ही है। मतलब थोड़ा मास चीजें घुसाया गया है, मतलब मास देने के लिए घुसाया गया है। सलमान खान को अच्छा लग रहा है, मतलब सलमान खान जिसके लिए सलमान खान जाने जाते हैं उसको ही वो रोल मिला है। हम लोगों ने बस मतलब एक एक्स्ट्रा रिव्यू के लिए हम लोगों ने वीडियो मतलब हम लोग इसलिए अपलोड करना नहीं चाहते कि ये ऑलरेडी कोई नहीं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी उल्टा बुल्टा चीज़ नहीं है, बट ये एक वन टाइम मूवी है बोल सकते हैं, वन टाइम देखने वाला मूवी है। अच्छा है, फिल्म अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, स्टोरी भी अच्छा है, मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ज्यादा चीज मुंशी पठान से कॉपीड है, फिर भी मतलब अच्छा है एक्टिंग भी। जो उनका जो मतलब जो उनके बहन का पति है उनका, आयुष शर्मा ने मतलब किया है, मतलब एवरेज एक्टिंग किया है, मतलब उतना भी खास नहीं, मतलब एक्टिंग किया है, ठीक ठाक ही किया, अच्छा लग रहा है फिल्म में।
तो मतलब अच्छा है। और सलमान खान जब आता है तो आयुष शर्मा एकदम डाउन पर जाते हैं, मतलब वो चीज़ देख के मज़ा आता है। सलमान खान जब भी आता है सामने, मतलब वो चीज़ आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। सलमान खान जब भी आता है सामने, आयुष शर्मा मतलब डाउन पर जाते हैं। हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ओरिजिनल मूवी ही देखिए, यही अच्छा पठान आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है और उसमें जो एक्टिंग किया गया है उन लोगों के द्वारा वो बहुत बहुत बेहतर। बॉलीवुड का क्या है, वो लोग प्रमोशंस बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसलिए उन लोगों का हीट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। साउथ का उतना ज़्यादा प्रमोशंस नहीं किया जाता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा मूवी कॉपीड है या कौन सा नहीं है। हम लोगों को भी लेट से पता चलता है, बट हम लोग अपडेटेड रहने का टाइम आते हैं, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं बनाया। अगर कोई न्यू मूवी होगा तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा मतलब बनाएंगे, आप लोग जरूर करेंगे। तो गाइस आप लोग मिन्नर मुरारी देखिए, जरूर देखिए ये फिल्म, ये फिल्म आप लोगों को देखना ही चाहिए। ये सुपर हीरो का है तो इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स स्टार्ट हो सकता है मतलब इंडिया में। जैसे कि एक मार्वल था ऐसे हम लोग का इंडिया का खुद का एक स्टार्ट हो सकता है। ऐसे ही प्रसन्न वर्मा ने बोला है, हनुमान का जो डायरेक्टर है उसने बोला है वो लोग वो खुद अपना यूनिवर्स खड़ा करेगा सुपर हीरो का। मतलब बहुत एक्साइटेड है, बहुत मतलब हम लोग सिर्फ मार्वल डीसी को क्यों सपोर्ट करेंगे जब हमारे इंडियन खुद का ही सुपर हीरो है। तो हमें बहुत मतलब एक्साइटेड है ये मिन्नर मुरारी देखने के लिए, क्योंकि अलग टाइप का सुपर हीरो फिल्म है ये थोड़ा मतलब, और अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मतलब स्क्रीन प्ले जो सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अच्छा है, कैमरा एंगल सब कुछ अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा ग्राफिक्स भी दिया इन लोगों ने। तो आप लोग जरूर देखिए ये फिल्म, मतलब हम लोग स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं ये फिल्म देखने के लिए आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, बाय बाय।